सिवान शहर के तरवारा मोड़ स्थित नई बिजली ऑफिस के प्रांगण में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सिवान जिला अंतर्गत शहरी उपभोक्ताओं के परंपरागत पोस्टपेड मीटर को नई तकनीक वाले स्मार्ट मीटर से बदलने के कार्य का सिवान के उप विकास आयुक्त श्री दीपक सिंह ने बिहार स्मार्ट मीटर ऐप का फीता काटकर शुभारंभ किए हैं। आपको बताते चले कि इस ऐप के माध्यम से आप बिजली खपत की जानकारी, दैनिक खपत की जानकारी, शिकायत दर्ज करने की सुविधा, बिजली बिल का भुगतान, राष्ट्रहित एवं स्वहित में बिजली बचाने का तरीका, आपको बता दें कि इस ऐप के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल इस ऐप को सिवान के शहरी क्षेत्रों में अभी लागू किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे सिवान जिले के तमाम जगहों पर इस ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि सिवान के उप विकास आयुक्त दीपक सिंह ने क्या कुछ बताया इस ऐप को लेकर के। ATN लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। एवं विद्युत कार्य पालक अभियंता सिवान साथ ही पंचायती राज पदाधिकारी महोदय भी साथ देंगे। साइड हो जाइए, सामने से हट जाइए सभी लोग। तालियां बजती रहे तो अच्छा लगता है किसी भी कार्यक्रम में। जो यहाँ एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है उसका फीता काट करके उप विकास आयुक्त महोदय इस कार्य को भी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण का। इस संदर्भ में आप चाहेंगे कि पहले हमारे विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय दो चार शब्द कहें कि ताकि यहाँ उपस्थित लोगों को समझ में आए कि यह मामला क्या है। आइए सर। मंच पर विकास आयुक्त महोदय सिवान, विद्युत अधीक्षण अभियंता आपूर्ति महोदय, अधीक्षण अभियंता अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, सभी मीडिया कर्मी, EDF प्रतिनिधि, MLSN प्रतिनिधि, आप सभी कर्मचारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत सर आज प्रीपेड मीटर का जो है इनॉग्रेशन किया गया, क्या कुछ कहेंगे जी? अभी जैसा मैंने अंदर बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है यहाँ के लिए और बिजली विभाग के लिए खासकर से और बिजली कंज्यूमर्स के लिए भी, कि जो परेशानियाँ उनको रेगुलर मीटर के साथ मीटर रीडिंग में हुआ करती थी उन सबसे छुटकारा का ये आज स्टार्टिंग डे है। आज यहाँ पर एक प्रीपेड मीटर का इंस्टॉलेशन हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ और जितने कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे नगर निकाय क्षेत्र में करीबन 45,000 हमको बताया गया है, उन 45,000 लोगों का जो मीटर लगा हुआ है उसको प्रीपेड मीटर में कन्वर्ट करने से फ़ायदे बहुत हैं। आपको पता होता है कि आपके पास अभी कितना आपके अकाउंट में पैसा जमा है, कितना यूज़ कर सकते हैं और दो दिन पहले, तीन दिन पहले जब भी हो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, उसका मैसेज भी आता है। और जो परेशानी होती थी पहले, काफ़ी दिनों के बाद आता था आपका मीटर का बिल, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर फ्रेंडली है और ऑफिस के लिए भी काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जो कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा सिवान और लगभग नॉर्थ बिहार में सभी जगह ये उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है और इस कमिश्नरी में तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, आज के बाद तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो गया। लगभग 40 से 45 हज़ार मीटर लगाना है, स्मार्ट मीटर लगाना है। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे शहर में ही लगाने का और उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि इसको लगा के इसका लाभ प्राप्त करें। इसमें काफ़ी खूबी है, पहला तक वो आपको लाइन नहीं लगाने, सबसे पहले लाइन से आप वंचित हो गए हैं। इसको लगाने के बाद आप लाइन में कहीं आपको रिचार्ज करने के जाएंगे,
मोबाइल जैसे रिचार्ज करते हैं आप अपना, वैसे ही अपने मीटर से रिचार्ज करिए और बिजली बिल पे। डिस्कनेक्शन को लेके जो मन में लोगों को एक गलतफहमी गुजर रही है, ये वर्किंग 72 आवर मैसेज आने के वर्किंग 72 आवर के बाद डिस्कनेक्ट होगा, उसमें संडे नहीं रहेगा, हॉलीडे नहीं रहेगा। आप रिचार्ज करते हैं तो पहले 1.5% आपको ऑनलाइन में कमीशन मिलता था, अब इसमें 3% का कमीशन मिलता है। दूसरी बात कि आप इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, लोगों के द्वारा कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंजम्पशन करने पे जो अनावश्यक रेडिएशन होता है उससे पर्यावरण में जो प्रदूषण आता है उससे भी बचत होगी। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है और सरकार की एक बहुमुखी योजना है, इसको हम लागू करेंगे। सबसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। कई जगहों पे देखने को मिला है, जैसे कि बिहार के कई इलाकों में, जैसे पटना की मामले, पटना पे जब ये मीटर लगने लगा तो वहाँ पर कई तरह के हंगामे थे। नहीं नहीं नहीं, उससे निपटने के लिए यहाँ पर क्या है? इसकी क्लैरिटी मैं कर देता हूँ। शुरू में जब ये इंस्टॉल होना कुछ टेक्निकल इशू आए, नहीं तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप कल लगा लेंगे ना, और आपको 19 दिन के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा कि जैसे आप अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन होने में जितना ट्रांजैक्शन करते करते जो टाइमिंग लगता है, तो आप अपने मोबाइल में देखना स्टार्ट करते हैं ना कि मेरा ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है, तो ये फर्स्ट इनवॉइस जनरेट होने में जो टाइम लगता है ना, उसके बाद आप इसका टोटल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि मेरे यहाँ इतना बकाया है, मेरा अकाउंट में इतना पैसा कम हो गया, मेरे अकाउंट में जो आज इतना पैसा कटा, कल इतना पैसा कट, ये सब कुछ आप आकलन कर सकते हैं। अब वो कोई भ्रांतियाँ नहीं है। छपरा में ऑलरेडी ये लगभग 25,000 मीटर लग चुका है शहर में, और सबसे पहले कमिश्नरी में स्टार्ट हुआ था, और कहीं से किसी को कोई शिकायत नहीं है। इवन लोग आके आवेदन देने का प्रयास करता, हम बोलते हैं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद से डिक्लेरेशन करता है कि हमको स्मार्ट मीटर लगा। इससे विद्युत संबंधित जो लोगों के मन में एक भावना था कि गलत है या गलत भी रहता था ना, उससे निराकरण। मेरा नाम विवेकानंद हुआ, मैं विद्युत अधीक्षक अभियंता छपरा।